टीसीएस के पहले क्वार्टर के रिजल्ट आ गए और यहाँ पर अनुमान को अगर सामने रखकर बात करें तो अनुमान से हल्के से कम रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फिगर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा इस पहले क्वार्टर में बहुत ही शानदार कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस ने जीते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्सोलिडेट रिजल्ट पर बात करें तो जो पिछले साल 38,322 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस थी वो 45,411 करोड़ आई और ये फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर में 43,705 थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 45,800 करोड़ से लेकर 46,000 करोड़ तक की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशंस का फिगर आने का अनुमान था और जो पिछले साल 7,008 करोड़ का प्रॉफिट था उसके सामने इस बार 9,280 करोड़ से लगाकर 9,350 करोड़ तक के प्रॉफिट का फिगर रहने का अनुमान था, मगर अनुमान से 300 करोड़ कम प्रॉफिट का फिगर आया है। और इसका मेन रीज़न तो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार टैक्स टीसीएस ने ज़्यादा पे किया, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। और दूसरा फ्रेंड्स की इसकी जो रेवेन्यू का फिगर अनुमान था उसके सामने थोड़ी कम आती हुई दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्वार्टर वन क्वार्टर अगर बात करें तो 4.5% से ज़्यादा की हमें रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद थी, मगर यहाँ पर 4% से हल्की सी कम रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है और उम्मीद रेवेन्यू ग्रोथ आई है। और इसके अलावा फ्रेंड्स साल दर साल 8.5% की ग्रोथ है जहाँ पर 20% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ की उम्मीद थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो ऑर्डर बुक 8.1 बिलियन डॉलर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर यह लगभग 60,000 करोड़ के आसपास टीसीएस ने इस बार पहले क्वार्टर में ऑर्डर जीते जो कि बहुत ही काबिले तारीफ मुझे लगता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब क्या होगा कि अभी 7 बजे के आसपास यहाँ पर टीसीएस का मैनेजमेंट गाइडेंस देगा अगले क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ऑर्डर तो बहुत ही शानदार जीते, तो अगले क्वार्टर में किस तरीके का परफॉर्मेंस रह सकता है उसके ऊपर कर शेयर की चाल निर्भर होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स 7 रुपये पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है जिसकी रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई फिक्स करी है और इसका पेमेंट अगस्त महीने की 5 तारीख को मिल जाएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पर मिले जुले नतीजे आए हैं ऐसा हम कह सकते हैं।